हम सभी के जीवन में दो शब्द जरूर आते हैं, इच्छा और जरूरत। अक्सर हम सब इन दोनों शब्दों के बीच अंतर समझने में भूल कर देते हैं। हमेशा दोनों शब्दों को एक ही समझते हैं और इसी के कारण हमारे जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे हमें भूख लगती है तो जरूरत है दो रोटी की, लेकिन हमारी इच्छा पूरियां, बर्गर, पिज्जा, आइसक्रीम खाने की है। तो जानिए और समझिए, ये आपकी इच्छा है। आप बहुत थक जाते हैं तो आपको जरूरत है शरीर को आराम देने की, सोने की, लेकिन आपकी इच्छा होती है एसी में म्यूजिक के साथ मोबाइल चलाकर रिलैक्स होने की। तो जरा सोचें, इसके बिना भी आपका काम चल सकता है? लगातार काम करके आप थक गए हैं तो आपको एक दिन आराम की जरूरत है, लेकिन अगर आपको रिलैक्स होने के लिए शिमला, कुल्लू, मनाली जाना है तो ये आपकी जरूरत नहीं, आपकी इच्छा है। लोगों से प्यार पाना आपकी जरूरत है, लेकिन सभी लोग आपकी ही तारीफ करें, ये आपकी इच्छा है। किसी से कोई गलती हो जाए तो आपको जरूरत है उसे माफ कर देने की, लेकिन आप भूल नहीं पा रहे और दिन रात उस इंसान को कोस रहे हैं तो ये आपकी इच्छा है। हमें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए थोड़े पैसे चाहिए, लेकिन आपको बड़ी कार खरीदने के लिए लोन लेना पड़ा तो ये आपकी इच्छा है। जरूरत और इच्छा के बीच बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम अपनी इच्छा के पीछे इस कदर भागते हैं कि अपनी जरूरतों को भी भूल जाते हैं। जिस दिन आप अपनी इच्छा को नजरअंदाज करने लगते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपकी जरूरत क्या है। जरूरत पूरी होनी बहुत जरूरी है, लेकिन यदि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही और आप दुखी हैं तो आपको अपनी गलती सुधारने की जरूरत है। इच्छा हमेशा जरूरत से ऊपर होती है। अगर आपके जीवन में जरूरतें पूरी हो रही हैं तो आपको हमेशा खुश रहने का हक है, लेकिन आप दुखी हैं क्योंकि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, तो आप आज जान लें, समझ लें और मान लें, इच्छाएं अनंत हैं। मतलब इच्छाएं एक पूरी होती हैं, अगला जन्म लेता है। तो ध्यान रहे, जीवन में खुशी की तलाश जीवन के दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए जो है उसी में खुश रहें, खुशी की तलाश ना करें। अब्दुल कलाम जी कहते थे, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। प्यारे दोस्तों, दफन कर दो सारी इच्छाएं जरूरतों के ताबूत में, क्योंकि इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ जाता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा हर परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे विचार पसंद आए होंगे, और अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हों तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइबर बटन दबाएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले रविवार अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।